हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कल्चर श्रेया। और मैं हूँ श्रेया। तो बहुत सारे फ्रेंड नए नए जुड़ रहे हैं, तो जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, मैं श्रीरामपुर में रहती हूँ, कोलकाता में। और मेरा नाम है श्रेया। मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ मेरे लाइफस्टाइल के ऊपर, और बस मैं कोशिश करती हूँ आप सबका मनोरंजन करने के लिए। आई होप मैं निभा पा रही हूँ, इसीलिए आप सब मुझे इतना पसंद कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद है आप सबको मेरी तरफ से। और अभी मैं किस टाइम पे ब्लॉग को स्टार्ट करूँ पता है? दोपहर के 3 बजे इस टाइम पे मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ। सुबह से मैं सोच रही थी ब्लॉगिंग करूंगी, ब्लॉगिंग नहीं हो पाया और अनफॉर्चुनेटली मैंने स्किप भी कर दिया था कुछ रीजन के वजह से। तो सुबह से बिजली नहीं था जिसके लिए मैंने ब्लॉग को स्टार्ट नहीं कर पाया। और अभी सुमिता है काम से, तो मैं उसे ही देख रही हूँ। दरवाजा मैंने खोल दिया है, देखिए मैं घर के सामने खड़ी हूँ, बेडरूम के सामने जो दरवाजा है वहाँ पर खड़ी हूँ। और मेरे फेस पे जो लाइटिंग देख रहे हैं ना, ये धूप का लाइटिंग है। और ये देखिए सुमिता है। गए हैं और दोपहर के 3 बजे हैं। और इस टाइम पे मुझे फिर से वो हेयर कलर कर देंगे हेयर में, जो गलती से उसने ब्लैक कर दिया था वो अभी कौन सा कलर करने वाले हैं मुझे पता नहीं। अभी तो हेयर कलर करूंगी। अभी 3 बजे मैं नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ, फिर भी वो बोल रहा है चलो बाबू कर देती हूँ। देखो हेयर कलर देख कौन सा वाला लेके आयो, पहले मैं उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लूं। ओ गोल्डन वाला लेके आयो, ये देखिए ये सही है। रेडी तो बट कौन दिखे कुमारगंज से चेयर है आज। तो चलिए इसको मैं पैक को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद हेयर में जब अप्लाई करती हूँ तब आपके साथ शेयर करती हूँ किस तरह से करते हैं वो है? फ्रिज में हम लोग का ना खाना पीना कुछ सामान नहीं रहता है, फ्रिज ये रहता है पूरा क्लीन रहता है। सिर्फ पानी पीने के लिए हम सब फ्रिज यूज करते हैं। और कितने अच्छे से तैयार हुई थी मैं, लेकिन फिर से मुझे हेयर को कलर कर देंगे पीछे। बाबू इसका मतलब तुम हाईलाइट करोगे ना, पूरी हेयर पे तो नहीं, थोड़ा थोड़ा ना। ठीक है चलिए स्टार्ट करती हूँ आज का ब्लॉग, और एंजॉय कीजिए आज का फुल डे मेरे साथ मेरे ब्लॉग को। और देखिए मेरा बेडरूम कितना अच्छे से क्लीन कर दिया है वो ना, मैंने इसका कवर मैंने खोल दिया, इसको वॉश करने के लिए दे दिया है। और देखिए बात नहीं करने दे रहे हैं। बचेगा शायद, इतना सारा कलर लगा रहे ना इस साल मेरे हेयर में,
ऊपर से मेरा हेयर थोड़ा सा डैमेज है। क्या कर रहे हो? तो बोलता है तू। आप मुझे देख पा रहे हैं फ्रेंड? मैं तो आप सबको देख ही नहीं पा रही हूँ। कैमरा का स्क्रीन पूरा ब्लैक हो चुका है। और तो मोटा मोटा करो नीचे चूल। तुम्हारा चूल पतला बाबू, এটা বোঝো। তুমি দেখো তো কত মোটা করে নিয়েছি। আমি যেটা করে দেবো তুমি খারাপ কখনো করেছি? করুনি, কিন্তু বেকার লাগবে আমাকে দেখতে। আমি কোনদিন করিনি এরকম কালার। देखिए ये मास्टर के पास कभी मत आना कलर कराने के लिए। उल्टा पुल्टा कलर कर देता है, हेयर का बर्बाद कर देता है। আমি ক্যামেরা দেখতে পাই অর্ধেক চুল ঝুলছে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। জোড়া করছো না তুমি চুলগুলোকে? ক্যামেরা ফালতু বলছে। মাস্টার যেটা করবে সেটা কোন দিকে ঘুরবো? এরাম কি বলছো? चुप्पे आयू, हेयर को सुखाने के लिए मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है उसने किस तरह से कलर को लगाया है। एक सेकेंड, पहले से बहुत दिनों के बाद छत पे आई हूँ। उस दिन आए थे जिस दिन बारिश हो रहा था। ये देखिए, ये पुई का प्लांट है, सॉरी पौधा है, पुई साग का पौधा है। पौधा बोलते हैं ना, पौधा ये। और ये रहा पम्पकिन का। देखिए पम्पकिन का पौधा कैसा हो चुका है। ये सीम गाज ना इतना फैल गया है, देखिए पूरा जंगल जैसा हो चुका है। मैं देख नहीं पा रही हूँ कुछ। हाँ देखे, ऐसा लग रहा है जंगल होकर रखा हुआ है, लेकिन ये सीम का पौधा है। फूल भी आ चुका है इसमें। तो चलिए हेयर को अच्छे से सुखा लेती हूँ। अमरूद हुआ है, ये देखिए इस जगह पर अमरूद हुआ। बाबू आ जाए उसको बाद बोलती हूँ उसे तोड़ देने के लिए। मिस्टर सुमित, हेयर कलर पार्लर सुमित। हेयर कलर पार्लर सुमित। बहुत धूप है बाबू छत पर। ये जंगल होकर रखा हुआ है बाबू, ऐसे कैसे देख रहे हो मुझे? तो मैं देखती हूँ। तो आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। Thank you.
जो चुल में कलर किया आ चुकी हूँ क्योंकि छत पे इतना धूप है क्या बताऊं। अभी देखिए वक्त हो रहा है 4 बजने वाले हैं, सॉरी बज गए हैं, 4:05 हो चुके हैं। मैं नीचे आ चुकी हूँ और नहीं रह पा रही हूँ छत पर, और देखिए ऑलमोस्ट सूख ही गया है और थोड़ा सा होगा किस तरह से लगाया। कुछ इस तरह से कलर आए हैं। सुमित गुर्जर बोल रहे हैं बाबू मैं कल फिर से मैं कलर लेकर आऊंगी, तुम्हारा जो ये लेंथ है इसमें लगाऊंगी। तो मैंने बोला नहीं बाबू मुझे और कलर नहीं चाहिए, पापा इतना कलर हेयर में लेयरिंग पर लेयरिंग मुझे नहीं चाहिए। तो वो बोल रहा है मेरा